अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसके ऊपर क्वेश्चंस 100% आते हैं पेपर्स में। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है नंबर जिसकी पावर 1/3 और वो यूनिटी। यूनिटी मतलब 1 की पावर 1/3 अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सिंपल अलजेब्रिक तरीके से और दूसरा है डी मॉर्गन थ्योरम से। पहला तरीका बहुत ही सिंपल है, उसमें हम क्या करते हैं क्यूब को इधर ले जाते हैं, जेड क्यूब इज इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं जेड क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको करते हैं फैक्टराइज, इसके दो फैक्टर्स बनते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करने से विच इज जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से इसको और इसको जब हम सॉल्व करते हैं फैक्टर्स को तो जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 गिव्स यू वन सॉल्यूशन, जेड इज इक्वल टू 1। जब इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के तो हमें दो रूट्स मिलते हैं, एक तो माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 बाय 2 और दूसरा मिलता है माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 बाय 2। पहले को तो हम नाम दे देते हैं 1, इसको हम नाम देते हैं ओमेगा और तीसरे को नाम दे देते हैं ओमेगा स्केयर। ये नाम हमने बड़े लॉजिकली समझ के रखे हैं, जब आप ओमेगा वाले का स्केयर करोगे तो एक्चुअली यही बनेगा, जब इसका स्केयर करोगे तो ये बनेगा, ये हम कुछ प्रॉपर्टीज के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। तो इनकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी है 1 प्लस ओमेगा स्केयर शुड बी इक्वल टू 0। ये हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दीजिए लेफ्ट साइड पे, आपका राइट साइड 0 बन जाएगा। दूसरा चीज देखिए कि ये क्यूबिक इक्वेशन थी जिसको हमने सॉल्व करके तीन रूट्स निकाले हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर। जब ये क्यूबिक इक्वेशन का आप सेकंड जेड स्केयर का कोफिशिएंट देखते हो वो है 0, तो जो सम ऑफ रूट्स है वो कितना होना चाहिए, माइनस ऑफ बी बाय ए टर्म जो होती है माइनस ऑफ जेड स्केयर कोफिशिएंट डिवाइड बाय जेड क्यूब का कोफिशिएंट जो कि कितना बन रहा है 0। दूसरा ओमेगा क्यूब इज 1, जो हम यहां से देख पा रहे हैं कि जेड क्यूब अगर 1 है तो ओमेगा इसका रूट था, तो ओमेगा जब इसमें सेटिस्फाई कराते हैं पुट करते हैं तो ओमेगा क्यूब क्या बनता है 1। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है ओमेगा का कंजुगेट इज ओमेगा स्क्वायर। आप इससे देख सकते हो कि यहाँ पे प्लस साइन है आयोटा के आगे, यहाँ पे माइनस आ गया, तो इसका जब कंजुगेट लेते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर बनता है, और सिमिलरली अगर ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट लेते हो तो ये ओमेगा बनेगा। तो वो चौथी प्रॉपर्टी, ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट इज ओमेगा। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज इसको हम जनरलाइज करने जा रहे हैं ओमेगा क्यूब की पावर को। जब भी ओमेगा की पावर 3n प्लस के होगी, जबकि के आपका 3 से छोटा है, तो ये आपकी ओमेगा की पावर के जैसा बिहेव करेगा। ये बिल्कुल सेम आयोटा के जैसा बिहेव कर रहा है, जैसे आयोटा की पावर 4 1 बन जाता है वैसे ही ओमेगा क्यूब इज 1। तो इसको शॉर्टकट की तरह हम काफी जगह यूज करेंगे।